जो भी संसार में जन्म लिए हैं उसका मृत्यु अवश्य होगा, और मृत्यु के बाद उस आत्मा का जन्म फिर से अवश्य होगा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सरेंडर करने से, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत करने से, भगवान श्री कृष्ण का नाम का जाप करने से, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है इसे आप रोक सकते। अब आपके बीच में और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो भी कुछ है, जो भी रिश्ता है, प्रेम है, भक्ति है, इसके चिंता आप मत कीजिए। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए और वो सब कुछ संभाल लेंगे। जो आपका रिश्ता है लोगों से, ये भगवान संभाल। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से दोस्ती कर लेता है वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि हर मोड़ पे उसकी मदद भगवान श्री कृष्ण करेंगे, और भगवान श्री कृष्ण उनकी सारी इच्छा को पूरा भी करेंगे। जब दुख तकलीफ का जो दर्द है ये बढ़ती जाती है तो भगवान पर भरोसा रखो, और उस भरोसे को ऐसे पकड़ के रखो जो भगवान श्री कृष्ण पर आपने रखा है, और सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। चाहे सिचुएशन कैसा भी रहे, कैसा भी समय आए आपके जीवन में, भगवान श्री कृष्ण का साथ कभी भी मत छोड़ना। आपका तकदीर ज़रूर बदलेगा, और आपका तकदीर उसी दिन बदलेगा जब आप पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत करोगे, सरेंडर करोगे। अब इस जीवन में हमने जन्म लिया है, चाहे हम किसी भी चीज़ से प्रेम कर ले, किसी भी लोगों से प्रेम कर ले, हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगोगे उसी दिन आपका मन जाकर शांत। आप अपना कर्तव्य निभाते रहिए, अपना कर्तव्य करते रहिए। जहाँ पर कठिन समय आएगा उस दिन कृष्णा आपकी सहायता अवश्य करें। हमारा जीवन में खुशियाँ ऐसे ही नहीं आ जाएगी, जो सच्चा हैप्पीनेस है, सच्चा खुशियाँ आपके जीवन में ऐसे नहीं आएगी। जब आप महामंत्र का जाप करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करने से उसी दिन आपके जीवन में वो सच्चा खुशियाँ आएगी। अगर आप मन से सच्चे भक्त है, अगर आप मन से तन से एक सच्चा भक्त हो भगवान श्री कृष्ण के, तो याद रखना भगवान श्री कृष्ण आपको वो बुद्धि देगी ताकि आप पूरे तरह से सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति कर सकें। एक दिन यह संसार से हम सारे रिश्ते छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वही एक रिश्ता बना रहेगा जो हमारा रिश्ता और भगवान श्री कृष्ण का रिश्ता, जो हमेशा के लिए है, एंड इट्स एवरलास्टिंग। चाहे कैसा भी सिचुएशन आ जाए, ये संसार को कभी ये मौका मत देना कि आपको भगवान श्री कृष्ण से दूर करे। भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानो। भगवान श्री कृष्ण ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलना सीख। यहाँ वहाँ की जो बातें हैं इसे भुला दो, इसे छोड़ दो, और जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, बस उसे ध्यान दो, उसको फॉलो करो और भगवान के चरणों में शरणागत करो। लोग हमें समय कभी कभी नहीं देते, कहते हैं कि बिजी है, बिजी नहीं होते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि बिजी है, लेकिन वो एक है भगवान श्री कृष्णा जो हमेशा आपके सामने रहेंगे, हमेशा आपके साथ में रहेंगे और कभी नहीं कहेंगे कि वो बिजी है। भगवान आपके लिए हमेशा है। हमें अपने लाइफ को बैलेंस करना सीखना चाहिए। प्लीज़ बी काइंड टू एवरीवन, लेकिन कभी यह मौका किसी को मत देना कि वो आपको अब्यूज़ करे, आपको नीचा गिराए। भरोसा रखना सीखो, लेकिन कभी किसी को ये मत मौका देना कि वो आपको धोखा। नए नए चीज़ आप सीख सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, बी कंटेंट, और साथ साथ में हमें अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए। अब ये जीवन का मकसद क्या है,
ये लाइफ का पर्पस क्या है, ये लाइफ का मकसद, ये लाइफ का पर्पस यही है कि भगवान के प्रति प्रेम को जगाना और भगवान के चरणों में सेवा करना, भगवान के भक्तों का संगत करना। तो घबराइए मत, जब भगवान से आप जुड़े हैं, आपकी आत्मा जुड़े हैं परमात्मा से, तो ऐसा भरोसा बनाए रखो, ऐसा भरोसा बनाए रखो जो कभी ना टूटे, और उस प्रेम को अपने हृदय से बाहर निकालो जो भगवान श्री कृष्ण के लिए है। आपका हर काम आसान हो जाएगा, जो भी इच्छा है आपको मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को आपकी इच्छा के बारे में सब कुछ पता है। बस भरोसा रखो, अपना भक्ति करो, सेवा करो, भगवान श्री कृष्ण आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा, भगवान श्री कृष्ण आपकी रक्षा हमेशा करेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।